तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। आज शनिवार, सैटरडे, तारीख है 10 अगस्त 2019। कल संडे है तो कल छुट्टी, उम्मीद यही है, बल्कि इस बार 2 दिन की छुट्टी, क्योंकि मंडे बकरीद है, यानी तो उस दिन भी छुट्टी होगी। तो आज की कहानी के बाद आपसे मुलाकात होगी ट्यूसडे, मंगलवार को, नए हफ्ते के साथ, नए हफ्ते के दिन। तो आप तमाम क्राइम तक की फैमिली के जो अपने मेंबर हैं, लोग हैं, उन सभी को एडवांस में ईद की मुबारकबाद, और उम्मीद यही कि आप सबकी छुट्टी अच्छी गुजरे, आप सब अच्छे रहें। लगातार आप लोगों के मेल, सवाल, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन इधर एक दो दिन से कहानी रिकॉर्डेड थी, इसलिए लाइव बात नहीं हो रही। तो उम्मीद यही करते हैं इंशाल्लाह मंगलवार यानी ट्यूसडे को आपसे लाइव बातचीत होगी, लाइव सवाल जवाब होगी, खूब सारी बातें करेंगे। आज सीधे आप कहानी पर आते हैं। हिंदुस्तान में छोड़िए, पूरी दुनिया में जब भी होस्टेजेस की बात होती है, बंधक बनाने की बात होती है, टेररिज्म की बात होती है, और बंधक जो बनाए जाते हैं उनको रिहाई दिलाने की बात होती है, तो ऐसी जब भी कोई बात होगी, जब भी कोई कहानी सुनाई जाती है, तो मॉस्को होस्टेज की बात ज़रूर आती है। हाल के वक्त में, मतलब दिल की धड़कनें रोक देने वाली ऐसी चीज़ें नहीं हुई थी, और इसीलिए हमेशा इसको याद किया जाता है। आज करीब 17 साल हो गए इस हादसे को, लेकिन दुनिया के गिने चुने हादसे में से एक है जिसमें बहुत सारी अफसोसनाक चीज़ें भी हैं, बहुत सारे रहस्य सवाल भी हैं आज तक जिनका जवाब नहीं मिला। तो धीरे धीरे मैं आपको आगे बताऊंगा। शुरुआत यह है कि रूस और चेचनिया, इन दोनों के बीच में शुरू से ही बड़ा अजीब सा रिश्ता रहा है। कई बार चेचनिया आज़ाद हुआ, कई बार फिर वापस रूस में शामिल हुआ, फिर कई बार रूस की सरकार वहाँ पर रही और उसने वहाँ पे एक गवर्नमेंट बनवाया चेचनिया में, और वो एक तरह से कठपुतली की तरह सरकार रही। लेकिन शुरू से एक ज़माने में चेचनिया बहुत ज़्यादा, कहते हैं कि आर्थिक रूप से भी मजबूत था, सब कुछ था, ठीक था, लेकिन वहाँ पे अलग अलग अलगाववादी पार्टी, आतंकवादियाँ, इन लोगों ने मिलके उसको बड़ा बुरी तरह से बर्बाद किया, और रूस के साथ इतनी जंगें हुई कि फिर उनकी हालत भी ख़राब होती गई। तो 2002 में भी रूस और चेचनिया के साथ ऐसे हालात थे, रूस की जो फौज थी वो चेचनिया में थी और वहाँ पे बाकायदा लड़ाई चल रही थी। इसी दौरान 23 अक्टूबर 2002 को रूस के शहर, जो उनकी राजधानी भी है, मॉस्को में एक जगह है डुब्रोवका थिएटर, बहुत ही फेमस थिएटर है ये, और मेरी टीम में एक लोकेंद्र है जिस दोपहर 1:30 बजे आपको कहानी भी सुनाता है। वो जब रूस गया था तो बाकायदा इस थिएटर में भी गया था। तो वहाँ एक नॉर्ड ओस्ट नाम की एक म्यूज़िकल का प्ले चल रहा था, और इस प्ले में सारी अलग अलग चीज़ें थी, रूसी फौजों की बहादुरी के भी इसमें दिखाया गया था। तो 23 अक्टूबर 2002 को मॉस्को के इस डुब्रोवका थिएटर में म्यूज़िकल प्ले के दौरान करीब 900 से 900 लोग मौजूद थे, एडवांस टिकट ऑलरेडी फुल, थिएटर फुल, और लोग वहाँ पे प्ले इन्जॉय कर रहे थे। रात का वक्त था, करीब 9 बजे होंगे, तभी रात 9 बजे एक बस उस थिएटर की जगह पे आती है, रुकती है, और उस बस में से करीब 50 लोग उतरते हैं जिनमें कुछ महिलाएं भी थी। बस से उतरने के बाद आनन फानन में ये 50 के 50 लोग थिएटर के अंदर दाखिल हो जाते हैं, और थिएटर के अंदर दाखिल होने के बाद पूरे थिएटर को अपने कब्जे में ले लेते हैं। हर एंट्रेंस पे इनके लोग खड़े हो जाते हैं, हवाई फायरिंग शुरू कर देते हैं, गोलियां चलाने लगते हैं, अफरा तफरी मच जाती है। उसमें बहुत सारे बच्चे भी थे उस म्यूज़िकल प्ले में, उस दिन औरतें भी थीं। तो ये सारे के सारे जो 50 लोग थे, ये दरअसल चेचनिया से आए थे और उसके लिए, चेचनिया की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, और इनका ये कहना था कि जो रूस वहाँ पे अपनी आर्मी भेज के जो भी कर रहा है वहाँ पे, वो चीज़ें रुकनी चाहिए और रूसी फ़ौज वापस आनी चाहिए, ये इनकी मांग थी, और इन्होंने इस पूरे थिएटर को अपने कब्ज़े में ले लिया। जो ये लोग पहुँचे थे
करीब करीब कई सौ किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद रूस में दाखिल हुए, और रूस में दाखिल होने के बाद थिएटर में पहुंचते हैं। तो इसके बारे में ये भी कहते हैं, और इनके पास जो हथियार था करीब 100 किलो एक्सप्लोसिव था, वो भी एकदम हाई क्वालिटी का आरडीएक्स टाइप, 100 से ज़्यादा हैंड ग्रेनेड थे, 3 हेवी बॉम्ब थे, 18 क्लाशनकोप जो राइफल है वो थी, और 20 से ज़्यादा पिस्टल। अब इतनी बड़ी तादाद में हथियार, गोला बारूद लेकर मॉस्को जैसे शहर में चेचनिया के रास्ते आप दाखिल होते हैं और आप वहाँ पे जाकर होस्टेज बना लेते हैं, इसका मतलब है कि रास्ते में जो चेकिंग और तलाशी नहीं हुई, और अगर हुई तो शायद इन लोगों ने रिश्वत दी, ये हमेशा माना जाता है। खैर, अब ये पूरा थिएटर इनके कब्ज़े में, 900 से ज़्यादा लोग इनके बंधक, और इसके बाद ये सरकार के साथ अपनी पहली बार डिमांड रखते हैं, और जो उनकी मांग थी वो मांग ये थी कि चेचनिया में मौजूद जो भी रूसी फौज है, आर्मी है, वो फौरन वहाँ से हटा ली जाए, अगर नहीं हटाएंगे तो एक हफ्ते के अंदर एक एक कर सारे बंधकों को मार देंगे। तो डेडलाइन उन्होंने दिया 1 वीक का। 23 अक्टूबर को ये दाखिल हुए थे, और 23 अक्टूबर के बाद दाखिल होने के बाद ही इनका पहला ये डिमांड बाहर आई, और कहा गया कि आप एक हफ्ते के अंदर सारे फौज वापस बुला लें, वरना हम ये जो 900 से ज़्यादा लोग हैं इनको मार देंगे। रूसी सरकार में उस वक्त व्लादिमीर पुतिन, जो अभी रूस के राष्ट्रपति हैं, तब ये प्रधानमंत्री हुआ करते थे, क्योंकि रूस का कानून ये कहता है कि 2 बार से ज़्यादा कोई प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, और ये 2 बार ऑलरेडी बन चुके थे, बने नहीं थे उस वक्त, लेकिन उस वक्त पावरफुल जो थे वो पुतिन थे, और पुतिन एक राष्ट्रवादी नेता के तौर पर बड़ी तेज़ी से उभर रहे थे, और उनका ये कहना था एक लाइन कि आतंक और आतंकवादियों से कोई बातचीत नहीं होगी, और आतंकवादियों को हमेशा मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए। इससे पहले ठीक 9/11 एक साल पहले हो चुका था अमेरिका में, और अमेरिका इसको भोग चुका था। अब उसके बाद ये रूस में हो गया, मॉस्को में टेररिस्ट घुस आए, 900 से ज़्यादा लोग बंधक हैं, अब रूसी गवर्नमेंट क्या करे। पुतिन की इमेज ऐसी थी कि पुतिन शायद ना झुकें, बात ना करें, लेकिन यहाँ मामला 900 लोगों की ज़िंदगी का था, उनके फैमिली वालों का प्रेशर था सरकार पर कि उनको बचाया जाए, उनको निकाला जाए, जो भी उनकी डिमांड है वो पूरी की जाए। अब यहाँ पे ये था कि अगर उनकी बात पूरी कर लेते हैं तो फिर पुतिन की जो इमेज है वो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि आतंकवादियों से आपने निगोशिएशन किया, उनसे बातचीत की, तो वो जो पूरी एक आप जो बात करते हैं उससे उलट जाकर आप बात कर रहे हैं। तो इसलिए शुरू में कोशिश किया गया कि वक्त खरीदा जाए और इनका ध्यान भटकाया जाए और कुछ रास्ता निकाला जाए। पहला ऑफर रूसी गवर्नमेंट की तरफ से इन जिन्होंने बंधक बनाए थे उनके पास ये गया कि आप लोग बंधकों को छोड़ दो, और यहाँ से आपको हम सेफ पैसेज देते हैं, आप किसी भी तीसरी कंट्री में चले जाओ, हम आपको नहीं मारेंगे, और जिंदा रूस की धरती से आपको जाने देंगे। ये पहला ऑफर गया, इस ऑफर को ठुकरा दिया गया। उनका कहना था कि हम इतनी दूर से चेचनिया से चलकर यहाँ तक आए हैं मॉस्को, तो हमें मालूम है कि मॉस्को की जब ज़मीन पर आए हैं तो यहाँ से हमारे लिए ज़िंदा जाने का कोई मतलब नहीं है, कोई रास्ता भी नहीं है, हम मारे जाएंगे, तो हम मरने के लिए ही आए, लेकिन हम मरेंगे तो अपने साथ जितने भी बंधक हैं उनको मार के जाएंगे। अब उनकी इस जवाब से जाहिर सी बात है रूसी सरकार में हड़कंप मच गया, क्योंकि उनका इरादा वही था कि या तो मार दो या मर जाओ, या फिर रूसी सरकार उनकी बात मान ले। अब इस बीच में अलग अलग उस जो बंधक बनाए गए थे उसमें बहुत सारे विदेशी नागरिक भी थे, अमेरिका के भी और भी कंट्री के, कुछ बुज़ुर्ग थे, कुछ महिलाएं थी, बच्चे थे, तो रेड क्रॉस और बाकी वो वहाँ पे जो मॉस्को में एम्बेसी थी दूसरी कंट्री की, उनके ज़रिए फिर बातचीत शुरू होती है, और किस्तों में कुछ कुछ लोगों को करके ये जो बंधक बनाया था जिन लोगों ने करीब 50, वो उनको छोड़ते भी जाते हैं। करीब 150 से 200 लोगों को अगले 1-2-3 दिन के अंदर इन्होंने छोड़ा भी, लेकिन अपनी डिमांड पे कायम रहे, और उनका कहना था कि रूसी फ़ौज वहाँ से हट जाए। फिर उनको बताया गया कि इतनी जल्दी ये मुमकिन नहीं है कि रूसी फ़ौज को चेचनिया से हटा दिया जाए, उसमें वक्त लगता है, सारी प्लानिंग होती है,
पर उनका कहना था कि हमारे को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं, आपके पास एक हफ्ता है, एक हफ्ते के अंदर हमारी डेडलाइन पूरी नहीं होती है तो हम बाकी जो बंधक हैं उनको मार देंगे। और उनका सिंपल सा ये था कि जो बीमार थे, बुजुर्ग थे, बच्चे थे बहुत सारे, उनको छोड़ दिया था, बाकी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। इस दौरान में इन लोगों ने यह भी किया था कि जो बंधक बनाए गए थे उनको आज़ादी दी थी कि आप अपने मोबाइल से अपने फैमिली, अपने जो नुमाइंदे हैं सरकार के, उनसे बात करो। तो बहुत सारे लोगों ने बातचीत भी की अपनी अपनी फैमिली से, गुजारिश की, सिफारिश की कि हमें यहाँ से बचा लें, ये लोग मार डालेंगे। अब इन सारी चीज़ों से सरकार पर भी दबाव आने लगा। मॉस्को के कुछ टेलीविज़न न्यूज़ चैनल पर भी ये सारी चीज़ें आने लगी, इन लोगों की लाइव बातें आने लगी। तो इधर पुतिन परेशान, क्या करें, लगातार प्रेशर बढ़ रहा था। और पुतिन का अपना एक वो था कि आतंकवादियों से बात नहीं करनी है, समझौता नहीं करना है, सौदा नहीं करना है। वक्त बीतता जा रहा था। इस दौरान में दो होस्टेजेस की मौत हो गई जिनको बंधक बनाया था, वो दो शायद महिलाएं थी। सरकार पे और प्रेशर आ गया। इस बीच में वहाँ पे उस थिएटर के बाहर, जाहिर सी बात है, स्पेशल फोर्सेज और बाकी पुलिस और ये सारी टीम थी, एक करीब 26 साल की महिला अचानक उस सारे घेरों को तोड़ते हुए अपने आप ऑडिटोरियम में, उस थिएटर में घुस जाती है। और जाने के बाद पहले तो वो सारे जो बंधक बना के रखा था जिन लोगों ने, जो टेररिस्ट थे, आतंकवादी थे, वो भी घबरा जाते हैं कि ये क्या है, यहाँ से लोग बाहर जाने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं और ये खुद बाहर से अंदर आई है। वो महिला अंदर पहुँचती है और उन बंधकों से, किस जिन्होंने बंधक बनाया था उनसे कहती है कि आप इनको छोड़ दो और आप गवर्नमेंट से बात कीजिए, इसमें बच्चे हैं, महिलाएँ हैं। बट उन्हें लगा बंधकों को कि ये महिला इस तरीके से आई है, ये शायद KGB की है, जो रशिया की सीक्रेट सर्विस है। तो कहते हैं कि कुछ सेकंड के बाद ही टेररिस्ट ने उस महिला को गोली मार दी, जबकि वो बाद में पता चला कि वो KGB की नहीं थी। उसके अंदर एक, वो इतनी सारी चीज़ें देख रही थी, दो दिन बीत गए थे, कुछ समझौता नहीं हो रहा था, इतने सारे लोग अंदर थे, तो वो सिर्फ समझाने के लिए गई थी कि शायद उसकी बातों का असर हो, लेकिन वो हुआ नहीं, उसको अपनी जान से जाना पड़ा। बाहर रूसी सरकार पर लगातार दबाव बढ़ रहा था, जो फैमिली थे, जो बंधक अंदर, उनके फैमिली के बाहर, वो लगातार सरकार पर प्रेशर बना रहे थे किसी तरह छोड़ा जाए। हर ऑप्शन दिया गया लेकिन वो मानने को तैयार नहीं, जो उनका ऑप्शन था वो सरकार मानने को तैयार नहीं, नतीजा क्या निकले। इस दौरान में वहीं से जो 50 टेररिस्ट घुसे थे, उनका जो सरदार था, उसने वीडियो मैसेज भी भेजा जो बाकायदा हर चैनल पे चला। उसने फिर उसमें अपनी मांग दोहराई और ये बताया कि वो किस लिए आया है यहाँ पे, क्यों आया है। और उसने ये भी कहा कि मैं, हम लोग मारे जाएं तो हमारे भाई आएंगे, फिर वो लड़ाई को जारी रखेंगे, लेकिन रूस कसूरवार है, गुनहगार है चेचनिया के लिए, इसलिए रूस को वहाँ से अपनी फ़ौज को हटाना चाहिए और चेचनिया के लोगों को आज़ादी से जीने का हक मिलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, समझौता कुछ नहीं हो रहा है। लगभग 23 से 24 अक्टूबर गुजर गया, 25 अक्टूबर आ गया। तीसरे दिन इस पूरे ऑपरेशन, मतलब बंधक बनाए हुए लगभग 57 आवर्स हो चुके थे, 57 घंटे। पुतिन ने फिर एक फैसला किया और पुतिन को कहते हैं कि इस फैसले को लेने के पीछे उनके जहन में 9/11 था, कि इस जो फैसला था उससे ये भी पता था कि दुनिया में शायद पुतिन की बहुत ज़्यादा बदनामी हो, पुतिन के ख़िलाफ़ लोग बोलें, लेकिन पुतिन को लगा कि और कोई ऑप्शन नहीं है और वो अपने स्टैंड पे कायम कि टेररिस्ट से बात नहीं करेंगे। इसके बाद रूस की स्पेशल फोर्सेस, जिनको सारे ऐसे हालात के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, और ख़ुद पुतिन उस ट्रेनिंग का कभी हिस्सा रह चुके हैं क्योंकि वो KGB के एजेंट जासूस थे। 26 अक्टूबर सैटरडे का दिन था, सुबह सुबह करीब 5 बजे सारे बंधक वहीं थे थिएटर में। पुतिन का फैसला होता है कि अब बंधकों को छुड़ाने के लिए सीधे ऑपरेशन करना पड़ेगा, उनसे बातचीत नहीं होगी, कोई नेगोशिएशन नहीं, कोई समझौता नहीं, कोई सौदा नहीं। 5 बजे के आसपास थिएटर के इर्द गिर्द स्पेशल फोर्सेस के लोग घेरा बना लेते हैं, अचानक लाइट काट दी जाती है। इसके बाद जो एसी का कनेक्शन होता है, जो एसी के जो पाइप हैं सारे, जो थिएटर तक जाते थे, उनमें एक गैस छोड़ा जाता है
वो गैस थिएटर के अंदर पहुंचता है, लेकिन अब थिएटर के अंदर बंधक भी हैं और आतंकवादी भी हैं, तो ऐसा है नहीं कि गैस सिर्फ आतंकवादियों को मारेगा, और अंदर थिएटर में इवन बाहर भी किसी को मालूम नहीं कि ये होने क्या जा रहा है। हर दरवाजे के बाहर मोर्चा संभाले हुए स्पेशल फोर्स के कमांडोज, और इसी बीच में अब वो सारे मास्क पहने हुए हैं जो बाहर कमांडोज हैं, उन्हें पहले से आगाह किया गया था, लेकिन थिएटर के अंदर जो होस्टेज हैं और जो टेररिस्ट हैं उनमें से किसी को नहीं मालूम कि ये गैस है तो क्या है। लेकिन वो एसी के पाइप के थ्रू गैस पहुंच जाता है थिएटर के अंदर और धीरे धीरे लोगों के सांसों में घुलकर उनका दम घोटना शुरू कर देता है। कुछ ही मिनट में लोगों को सांस लेने में मुश्किल, लोग गला पकड़ पकड़ कर अब जहाँ पे हैं, जो बहुत सारे लोग सो रहे थे क्योंकि 5 बजे का वक्त था, तो उनकी नींद में ही वो गैस उनकी सांसों में घुल जाता है। इस दौरान में एक जो होस्टेज जो रशियन थी लेडी, वो फिर फ़ोन मिलाती है, फ़ोन दिया हुआ था सारे होस्टेजेस को जो कि आप बात कर सकते हैं किसी, जो भी टेररिस्ट थे, तो वो फ़ोन मिलाती है, और चूंकि उससे पहले वो लगातार कई चैनल से और उन लोगों से बात कर चुकी थी, नंबर भी थे इनके पास, तो वो फ़ोन पे कहती है कि मुझे नहीं मालूम कि रूसी सरकार क्या कर रही है, लेकिन अभी अभी अब यहाँ से हम साफ सामने से देख रहे हैं कोई एक गैस आ रहा है और उस गैस से लोगों का दम घुट रहा है, तो हमें ये भी नहीं मालूम कि रूसी सरकार आतंकवादियों को मारना चाहती है, हम सबको भी मारना चाहती है, और वो नहीं चाहती कि हम में से कोई भी बाहर ज़िंदा आए, क्योंकि जिस तरीके का ये गैस वो हम सब पे असर कर रहा है। और इसके बाद फिर ये चीज़ें भी बाद में सामने आती हैं, वो आखिरी जो मोबाइल पे बात करती है, थोड़ी देर के बाद गैस अपना असर दिखाना शुरू करता है, और शायद बाहर बैठे हुए स्पेशल कमांडो को भी टाइमिंग का पता था। उसके बाद अचानक जो सारे दरवाजे हैं एंट्रेंस, वहाँ पे फायरिंग शुरू हो जाती है, जो अंदर टेररिस्ट थे वो भी फायरिंग का जवाब देते हैं, दोनों तरफ से गोलियाँ चलती हैं, गैस अपना काम पहले ही कर चुका था। 1 से 1.5 घंटे तक गोलीबारी होती है, सुबह 5 से लेकर करीब 6 से 6:30 के दौरान। उसके बाद अंदर से गोलियों की आवाज़ आनी बंद हो जाती है, स्पेशल फोर्सेस के लोग अंदर दाखिल होते हैं। इस पूरे ऑपरेशन में वो 50 के 50 टेररिस्ट मारे गए, हालांकि उसमें यह था कि कुछ जिंदा थे उनको बाद में मारा गया, लेकिन अफसोसनाक ये था कि 130 रशियन समेत और भी जो बाहर के थे करीब 170, हालांकि इस फिगर को अलग अलग दिया गया, पहले तो रूस ने ये कहा कि इसमें हमारे कोई भी बंधक नहीं मारा गया, लेकिन आप लाशों को इतनी बड़ी तादाद में छुपा नहीं सकते थे, लाशों की तस्वीरों को नहीं छुपा सकते थे। जब ऑपरेशन कामयाब हुआ उसके बाद अंदर से फोर्सेज लाशें लेकर आने लगी, भयानक ठंड थी उस दिन, बर्फबारी हो रही थी, सुबह का वक्त था, और उन लाशों को और उसमें से बहुत सारे जो इंजर्ड थे उनको ला के बाहर उसी थिएटर के और फर्श पे ठंडी ज़मीन पे रखा गया था, लिटाया गया था, कई को औंधे मुँह लिटा दिया गया, पहले ही वो सांस नहीं ले रहे थे, वो शायद बेहोश थे, लेकिन औंधे मुँह लिटने की वजह उनका मुँह जो है वो ज़मीन की वजह से बंद हो गया, वो सांस भी नहीं ले पाए, तो ऐसे कई बेहोश लोगों की भी मौत हो गई। तो उसमें ये था कि ये चीज़ें अगर थी कि गैस का इस्तेमाल करना है, उस गैस को भी, वो कौन सा गैस है आज तक एक रहस्य है, राज है, बहुत कम लोगों को मालूम है, लेकिन वो जहरीले गैस था। हॉस्पिटल में भी किसी को नहीं बताया गया था कि इस ऑपरेशन के बाद, जाहिर सी बात है जब गवर्नमेंट कोई इस तरह का एक्शन लेती है तो वो तैयारी करती है कि वहाँ से कुछ पेशेंट आएंगे इस तरह के आएंगे तो क्या होगा, उनका कौन सा दवा देना, कौन सा इलाज करना। तो हॉस्पिटल में जो इंजर्ड थे उनको ले जाया गया, तो उन्हें यही नहीं मालूम था कि ये किस चीज़ से ये लोग बीमार हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे सांस नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं था कि वो गैस कौन सी है, गैस का नाम क्या है। तो डॉक्टर भी अपने अपने हिसाब से इलाज कर रहे थे, जिसकी वजह से हॉस्पिटल में भी कई लोगों की मौत हो गई। तो इसको पूरी तरह से सीक्रेसी रखा गया था, एक पूरी गुप्त रखा गया था, और इस गैस के बारे में, जो रासायनिक गैस था, उसके बारे में कभी किसी को बताया ही नहीं गया, क्योंकि अपने ही मुल्क में अपने ही लोगों पर इस तरह का गैस का इस्तेमाल करना गैरकानूनी था, और रशिया सरकार को इसको पूरी ह्यूमन राइट्स से लेकर सबको जवाब देना पड़ता। तो पहले उन्होंने कहा कि ऐसी कोई गैस हमने इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि हमने स्पेशल फोर्सेस का इस्तेमाल किया, गोलियां चली उसमें मारे गए। लेकिन ये फैक्ट है कि बंधकों को छुड़ाने के लिए रूस ने जहरीली गैस का इस्तेमाल किया। बेशक बंधक सारे जो थे उनको, उनमें से बहुत सारे बचे, लेकिन करीब 150 से ज़्यादा बंधकों की मौत हो गई, और जो टेररिस्ट थे वो सारे मारे गए। इसके बाद रूस में अब जो फैमिली थी सारे, इसको लेके बहुत सारी आवाज़ें उठनी शुरू हुई। लेकिन कुछ दिनों में ही अचानक अमेरिका समेत ब्रिटेन और बाकी दुनिया ने पहली बार पुतिन का लोहा माना और कहा कि
ये पॉलिसी जो है कि चाहे हालात कैसे हों उसमें टेररिस्ट से कोई बात नहीं होगी, कोई समझौता नहीं होगा, कोई सौदा नहीं होगा, उसके लिए सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। और पुतिन ने फिर एक बयान भी दिया कि ऐसी चीज़ों में एक बड़े फ़ायदे को हासिल करने के लिए अगर छोटी मोटी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं तो हमें देने के लिए तैयार रहना चाहिए। उनका मतलब ये था कि अगर ऐसे क्राइसिस से बचने के लिए हमारे अपने ही कुछ लोग मारे जाते हैं तो अफसोस तो है लेकिन ऐसा होगा, लेकिन इससे ये होगा कि हम बड़े पैमाने पे उसके नुकसान से बच जाएंगे। तो ये सारी लाइनें, ये सारी चीज़ें, ये एक इस ऑपरेशन को करना, इसने पुतिन का कद अचानक बढ़ा दिया। और पूरी दुनिया में फिर जो तमाम लोग थे वो पुतिन का लोहा मानने लगे। और इस एक इंसिडेंट के बाद, इस होस्टेज क्राइसिस के बाद, धीरे धीरे जाहिर सी बात है जो मौतें हुई थी लोग उसको भूल गए, लेकिन पुतिन का एक नया चेहरा सामने आया और वो न सिर्फ रशिया में बल्कि दुनिया में। और यही वजह है कि उसके बाद फिर पुतिन लगातार 2 बार प्रेसिडेंट बने। कानून ये था कि तीसरी बार नहीं बन सकते तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन प्रधानमंत्री बनते हुए भी सारे पावर जो प्रेसिडेंट के थे उन्हीं के पास। और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री के बाद चूँकि अब वो संविधान के हिसाब से था, वापस फिर आते हैं और फिर प्रेसिडेंट बनते हैं। 20 साल हो गए अभी रूस में पुतिन के राज को और 20 साल से पुतिन की वहाँ पे सत्ता है। तो इस एक इंसिडेंट को लेके उसके बाद बहुत सारी जांच हुई, बहुत सारे सवाल उठे, आज भी उठ रहे हैं। और उसमें एक चीज़ ये है कि ये असली में गैस कौन सी थी ये किसी को नहीं मालूम। दूसरा कि इसकी ऑपरेशन की तैयारी को अगर ढंग से किया जाता तो बहुत सारे लोगों की जान बच सकती थी, लेकिन उनका ये था कि स्पेशल फोर्सेस को भी सिर्फ मास्क दिया गया था, उन्हें ये नहीं मालूम था कि अंदर में क्या, कहाँ से कौन सी गैस को छोड़ी जानी है। वो बड़े लिमिटेड लोग थे जो इसके बारे में जानते थे, बहुत ही गोपनीय तरीके से किया गया। इस ऑपरेशन के ख़त्म होने के बाद चेचनिया में भी इसका असर हुआ और उसके बाद फिर जो वहाँ के बाकी जो विद्रोही थे वो लगातार रूसी फौज से लड़ते रहे। और अभी भी जो चेचनिया में सरकार है उसको कहते हैं कि वो रूस की ही मदद से है और रूसी जो सोच है उसके हिसाब से है, लेकिन वहाँ के जो विद्रोही हैं उनकी लड़ाई आज भी जारी है। आज भी रशिया के लिए अपने आसपास के इलाके में, जैसे हमारे लिए पाकिस्तान सबसे बड़ा सरदर्द है, सेम वैसे ही रशिया के लिए चेचनिया एक सरदर्द है। और सालों बरसों से चेचनिया को लेकर रशिया की जो पॉलिसी है और उनके साथ जो लड़ाई है उससे एक बहुत बड़ा, मतलब इन दोनों के बीच में गैप है और सिक्योरिटी को भी लेकर लगातार इसकी वजह से थ्रेट रहता है। लेकिन इस एक इंसिडेंट ने, इस एक होस्टेज क्राइसिस ने जिस तरीके से निकाला, उसने पुतिन को एक वर्ल्ड लीडर के तौर पे बना दिया। और वैसे बहुत सारे लोग हैं जो अमेरिका से नफरत करते हैं, जो अमेरिकी प्रेसिडेंट से नफरत करते हैं कि सुपर पावर सुपर पावर, तो वो हमेशा पुतिन में ये देखते हैं कि अगर अमेरिका को कोई टक्कर दे सकता है, अमेरिकी लीडरशिप को कोई टक्कर दे सकता है, तो वो एक दूसरा नेता एक ही और वो है व्लादिमीर पुतिन, यानी कि रूस के प्रेसिडेंट। तो ये उनका कद बना पुतिन का। और भारत और रूस की दोस्ती जग जाहिर है और अभी भी दोस्ती है। लेकिन ये कहानी, जब भी कोई होस्टेज क्राइसिस की बात होगी, जब भी किसी बंधक बनाने की बात होगी, तो एक मुल्क का लीडर और उस मुल्क की लीडरशिप इतने कठोर, इतने कड़े फैसले ले, हालांकि अपने लोगों का भी नुकसान हो, लेकिन वो उस मसले को निकाल के ले जाए, इसकी मिसाल ये इंसिडेंट था और इसकी मिसाल वो लीडरशिप यानी कि व्लादिमीर पुतिन थे। तो ये थी कहानी आज की। अब आपसे मुलाकात होगी, जैसा मैंने शुरू में कहा कि कल संडे है, परसों मंडे है और मंडे ईद की छुट्टी है, तो ट्यूसडे को मुलाकात होगी लाइव स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे रहिए और आप तमाम लोगों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद, थैंक यू वेरी मच।